नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। फिरोजाबाद के कौशल्या नगर में सर्दी से बचने के लिए घर में आग जलाकर बैठे बच्चों की लापरवाही से पूरे घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दो महीने पहले शादी होकर आई थी, जो सामान दहेज में मिला था वह भी सामान पूरा जल गया। सुबह 9 बजे की टाइम थी, मैं उठी सो कर, तो बच्चे छोटे छोटे आँख जरा रहे थे, तो मैं उठ के इन पे चिल्ला के नीचे उतर गई मंजन करने, संग बच्चा भी भग गई। अब ये नहीं मालूम कैसे बिस्तर में आँच लग गई, चिंगारी से लग गई के लौ लग गई उनमें, हम लोगों को किसी को खबर नहीं पड़ी। कितना सामान? शादी का, दहेज का सामान, सोफा सेट, रजाई गद्दे सभी थे, ऊपर सब में आँच लग गई, कुछ नहीं बचा। मशीनी सिलाई 30,000 नगद पैसे गोदरेज में। गोदरेज की अलमारी में जो पैसे रखे थे वो पूरे 30,000 रुपए जले, कपड़े भी जल गए तक जल गए, और देख ले पैसे भी जल गए, कपड़े भी जल गए, उसके अंदर जो कपड़े थे वो भी। बहू की अब शादी हुई है दो, दूसरा महीना तीसरा चार नवंबर में। हाँ, शादी का पूरा नया सामान, हाँ ऊपर सेट था वो जल गया। आग कैसे बुझाई आप लोगों ने? कि फायर ब्रिगेड? नहीं, कुछ नहीं आई। पड़ोस के जब आंच लगी है, धुआं उठा है, तब पड़ोस के बच्चे आदमी भगे हैं। हमारे घर में तो कोई नहीं था, सब ड्यूटी पे थे। जब मिस्त्री लगे थे यहाँ, वो भगे हैं, उन्होंने आंच बुझाई है मेरे घर की। लगभग आपके हिसाब से लगभग कितने का नुकसान? मेरा ऐसा 1,00,000 से ऊपर ही है, नहीं 1,00,000 के करीब तो है ही है मेरा खर्चा, जितने बिस्तर वगैरह, दहेज का सामान, सो सब कुछ नहीं बचा है।